उत्तराखंड के बाना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने प्रदीप सेंगर अपहरण कांड का खुलासा करते हुए टाइल्स व्यापारी प्रदीप को साक्ष्य बरामद कर लिया। साथ ही 5 बदमाशों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 24 दिन पहले हुए अपहरण ने पुलिस की नाक में दम करके रखा था, जिसके लिए पुलिस लगातार सुराग रसी कर रही थी। और इसी दौरान बांदा पुलिस को कुछ अहम सूत्रों से खबर मिली कि अपहरणकर्ताओं ने प्रदीप के परिजनों से 21 लाख रुपए की फिरौती के साथ यूपी एमपी बॉर्डर के कालिंजर सतना रोड पर आने को कहा था। इसी सूचना पर एसटीएफ और स्वाट टीम ने वहां घेराबंदी कर दी। इसके बाद जब सुबह 5:30 बजे बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र में एमपी के सतना बॉर्डर पर जैसे ही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो और टाटा जेस्ट कार पहुंची, तभी सादी वर्दी में पुलिस के जवान अपहरणकर्ताओं पर टूट पड़े और टाटा जेस्ट कार पर, जिसमें प्रदीप सेंगर बंधक था, उस पर पलक झपकते ही कब्जा कर लिया। पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग में एक बदमाश राजेंद्र सिंह रावत पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं एसओजी प्रभारी संतोष सिंह के भी हाथ में बदमाशों की गोली ज्यादा सी। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 अपराधी, जिनमें जबलपुर निवासी राजेंद्र सिंह और राजू लोधी, एमपी के नरसिंहपुर निवासी कमलेश सेन और राकेश सेन उर्फ रज्जू महाराज और बांदा निवासी मंगल यादव को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजेंद्र रावत पर उत्तराखंड, दिल्ली, एमपी और यूपी में तकरीबन 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अपहरणकर्ताओं के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, 9 mm, 315 बोर के 3 पिस्टल, 5 मैगजीन समेत अपहरण में प्रयुक्त गाड़ियां और नेपाली करेंसी भी बरामद की है। अपहरण हुआ था आपके एक यहाँ के चर्चित व्यवसायी टाइल्स व्यापारी नीलू सिंह और प्रदीप सिंह। आज इनको एक मुठभेड़ के बाद नक्सल मुक्त कराया गया। जो अपहर्ता थे उनको गिरफ्तार किया गया। 5 अपहर्ता गिरफ्तार हुए और एक व्यक्ति उसमें से मौके से तत्काल फरार हो गया और इनके पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया कि किस तरह से अपहर्ताओं ने हल्द्वानी में लूट की थी, एक स्कॉर्पियो की उसका प्रयोग किया था अपहरण करने के लिए, किस तरह से हथियार जुटाए थे। इस गैंग का सगना राजेंद्र सिंह रावत उम्र कैद की सजा प्राप्त अपराधी है, जो कि मैनपुरी जेल से फरार हुआ था। इसके गैंग में नेपाल के 3 अपराधी हैं। इस तरह से इसका गैंग आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश में इसने बेस बनाया हुआ था और मध्य प्रदेश में इन लोगों ने लगातार अलग अलग हाइड आउट बदल करके 3 जगहों पर अपहृत को रखा, जिसमें एक BSNL का टावर था। उस टावर पे शरण देने वाला जो व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश में 15 सालों तक पूर्व चेयरमैन भी रह चुका है और इस तरह से राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत इन अपराधियों ने इस अपहृत को छिपा करके रखा। इन सभी का उद्घाटन कर दिया गया और इन पर ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस अपहरण की योजना 2 माह पहले बनाई गई थी और इसका सूत्रधार प्रदीप के टायल शोरूम के पीछे रहने वाला मंगल यादव था। मंगल ने राजेंद्र रावत से संपर्क किया और राजेंद्र रावत ने नेपाल निवासी खगेश बहादुर शाही से संपर्क किया था। नेपाल के इन अपराधियों ने ही पिस्टल मुहैया कराई थी और इस वारदात में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो राजेंद्र ने हल्द्वानी से लूटी थी। बाकायदे कई दिन की रेकी के बाद 21 सितंबर की रात बदमाशों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दे दिया था। इसके बाद वह पुलिस के बिछाए जाल में आकर फंसी गए। बहुत बड़ी सफलता है ये कि सकुशल वो आ गया। दूसरी, पुलिस की इतनी अच्छी कार्रवाई रही जिसके कारण पैसा भी नहीं बच गया, सभी लोग जितने भी हैं किसी को कुछ छूट गए और पूरे अपराधी पकड़े गए, उनकी पूरी लिंक पकड़ी गई ताकि भविष्य में भी दूसरी घटना न हो। इसके आगे कितने लोग सुरक्षित हो गए ये भी बहुत जरूरी है। न्यूज़ बीके के लिए बांदा से अनिल गौतम की रिपोर्ट।